ये रेड आता है, ये पूरा रेड आता है, तो ये ग्रीन है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये ब्लैक और ये व्हाइट वाला करवाना चाहिए। सो यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई हमारे आरिश खान की फैमिली कैसी है, और आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हम राइड पर जाएंगे, और राइड पर जाने के लिए आज हम आपको अपनी तीनों बाइक्स का पहले कलेक्शन दिखा दूं। आपको पता होगा मेरे पास हायाबुसा पहले से ही थी, फिर मैंने एक निंजा 10R जो भी H2 ली थी, निंजा H2। या रुक जाइए, मेरे को थोड़े से कपड़े में आउटफिट चेंज कर लूँ। वेट, मेरे को ग्लासेस तो लगाने नहीं है। हाँ ये ठीक है। तो यार गाइज, आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे पास जो है एक हायाबुसा थी, मैट आई थिंक ग्लॉसी कलर है, ग्लॉसी ब्लैक है। देन उसके बाद मैंने निंजा H2 ली, वो भी ब्लैक कलर में थी। तो फिर यहाँ पर मेरे को सुजुकी की बाइक्स कुछ ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो कल ही आई है एक और बाइक मेरे पास जो की है सुजुकी GSX 1000RR। जी हाँ, GSX 1000RR, और आज मैं उसी पे राइड पे जरा घूमने वूमने जा रहा हूँ। कुछ सोच रहा हूँ उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करवा दूँ, तो अभी देखते हैं आज क्या जाता है। बुलेट तो बाहर ही खड़ी रहती है, अपनी स्ट्रीट बाइक है, कार यहीं पे खड़ी रहती है। चलो मैं बाइक्स दिखा देता हूँ आपको गाइज। सो सबसे पहले ये तो हमारी अपनी यही है, ये अपनी वही है निंजा, कावासाकी निंजा खड़ी है गाइज अभी। तो इसको तो मैं ज़्यादा भी चला नहीं रहा हूँ, असल में एवरेज भी नहीं दे रही है इतनी। आई डोंट नो वाई इसको क्या हो गया ऐसा, एवरेज भी नहीं निकाल पा रही उतनी। तो मैंने कहा जब भाई गाड़ी एवरेज ही निकाल लिया, पहले गाड़ी को एवरेज निकालने दो ना, जब अच्छी सी एवरेज निकालेगी तब इसको भी चलाएंगे। खैर कोई बात नहीं, फिर अपनी हायाबुसा आ जाती है। तो सुजुकी की गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। वेट आई विल, अगर कुछ भी कभी दिक्कत आती है तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया कि डाउटनेट एप्लीकेशन आपके लिए बहुत कमाल की है। तो यहाँ पर डाउटनेट पर एक नया ऑफर भी चल रहा है जो कि ITJ मेंस 2020 के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स, और यहाँ पर जितने भी IIT के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आकर आपके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी कोर्स वगैरह हैं उनको जो है कवर करवाएंगे। और गाइज ये सब कुछ जो है वीडियो फॉर्मेट के थ्रू होने वाला है, एंड यहाँ पर आपके जितने भी जे के क्वेश्चंस वगैरह हैं सब कुछ जो है इम्प्रूव करवाया जाएगा। आप यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर 1,00,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को जो है कर रहे हैं। जे के रैंक में आपको अपना रैंक फर्स्ट लाने की इच्छा करनी है पूरी, तो दोस्तों ये कोर्स करना है ज़रूरी। आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट एप्लीकेशन, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, दिखाता हूँ आपको। तो GSX ये 1300R है, और ये जो है ये है R1000। जी हाँ, सैन एंड्रियास में इसका नंबर जो ट्रांसफ़र हो गया है। ये गाड़ी जो है दुबई से आई है, और मैं आपको बता दूँ ये नई बाइक नहीं है, सेकेंड हैंड है। किसी शेख ने इसको पूरी अच्छे तरीके से बनवा रखी थी, तो मैंने कहा भाई बस मेरे को चाहिए, ठीक है। और अपनी ये है हायाबुसा, तो आज हम इसको निकालेंगे 10R को। चलो बैठो 1000R को, चलो बढ़िया। थाउजेंड आर का मीटर देखने वाला है गाइस, देख रहे हो कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और बाइक्स की अगर लुक्स की क्वालिटी की जाए तो, लुक्स की बात की जाए तो काफी अच्छी है। बर्नआउट कर सकते हो आप इस बाइक के साथ, आराम से बर्नआउट कर सकते हो, कलवे के उतने पैर नहीं टिकते हैं। हाँ ये डे टाइम रनिंग लाइट्स काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं, और इसमें अलग अलग भी स्टिकर्स के कलर्स अवेलेबल हैं, तो आज मैं वही देखूंगा। देखो क्या इसका हजार्ड सिस्टम आई होप के वर्क में हो। वेट गाइज, इसका है लाइट मेन्यू, या हैजर्ड सिस्टम इसका जो है वर्किंग कंडीशन में है। तो चारों इंडिकेटर्स चल रहे हैं जो कि काफ़ी कूल एंड अच्छी बात है। तो चलो गाइज चलेंगे। तो अगर राइडिंग पोस्चर की बात की जाए तो काफ़ी अग्रेसिव है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अग्रेसिव तो होता है। और 100 पे तो एकदम जा रही है गाड़ी, मैं बहुत ही आराम से चलाना चाहूंगा इस बाइक को। मीटर देख रहा कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है यार, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी सुंदर लग रहा है। तो ऐसे मोटो व्लॉगिंग करने में तो काफी मजा आएगा इस बाइक के साथ, भयंकर मोटो व्लॉगिंग होगी। चाबी लगने की भी जगह एकदम एक्सट्रीमली भयंकर दे रखी है भाई इसमें, बाइक में बहुत अच्छी बाइक है गाइस। मेरे को, मैं ये बाइक असल में बहुत दिनों से लेने की सोच रहा था, बट कोई मिल ही नहीं रही थी, और कंपनी का जो इस टाइम का स्टॉक है, जो पुरानी वाली में बात थी ना वो नई वाली में नहीं, तो मैंने कहा मेरे को पुरानी चाहिए भाई, कम चली हुई, तो आखिरकार मिली गई। हाँ थोड़ी सा सुपर बाइक जब आप चलाओगे ना गाइस,
तो हर चीज़ का ध्यान रख के चलानी चाहिए। अरे लगता है पुलिस वाले किसी के पीछे पड़े हुए हैं भाई दादा। अरे पुलिस वाले पीछे हैं किसी के, किसी की तो श्यामत आई है। मुझे यहाँ से बाइक निकालनी चाहिए जल्दी। तो जब भी आप सुपर बाइक, ओ शिट, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो मेरे साथ अभी हुई। ये जैसे कि ये गाड़ी गई, ऐसे ऐसे लोग जब होते हैं ना तो बस वो हो जाता है। पर गाइस ये जो बाइक है काफ़ी मजबूत है, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो ठीक होने जा रही है। वैसे भी हो जाएगी सही, जो स्क्रैचेस व्रैचेज हैं वो तो सब ठीक ही होंगे, एक बार दोबारा पेंट होगी। मैं इसको दूसरे ही कलर करवाना चाहूँगा, ब्लू या फिर कुछ ऐसा ही समथिंग अलग सा ही सोचा हुआ है। अभी कलवा भी यही कह रहा है कि गाड़ी तो अच्छी है, फोर्थ गियर में 200 पार कर रही है, और क्या चाहिए। बट गाइज बात यहाँ पर यह आ जाती है ना कि बाइक का वेट कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अब हायाबुसा से बस थोड़ी सी कम है, उठ जाती है। तो अब जब जो बंदा हायाबुसा चला लेगा ना वो कोई भी बाइक चला लेगा, क्योंकि हायाबुसा बहुत ज़्यादा वेट में, और फिर वो कावासाकी उससे भी डबल है। तो या ये तो उसके मुकाबले बहुत हल्की लग रही है कलवे को, बट ऐसा लगता है ना इसकी पावर बहुत खतरनाक सी लगती है दोस्तों, एकदम उठने उठने को भागती है बाइक। आपने बाइक देखी भी होगी शायद, धूम 2 में ऋतिक रोशन ने लास्ट में चलाई थी इस बाइक को, शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो आप देख लेना। सुजुकी मोटरसाइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस बाइक को पूरी मतलब रिपेयर करवाना चाहूँगा। इसका आर्मर $25,000 का आर्मर, ओ माई गॉड, 17,500 के इसके रेस ब्रेक्स। ओके, तो ये टेल पीछे से हट सकता है, बट यार हटवा के ना वो लुक नहीं आएगा। नंबर वंबर भी आ रहा है, पर गाइस हटवा के तो थोड़ी ज़्यादा रेसिंग लुक बढ़ रही है ना गाड़ी की, हटवा के ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ हटवा देता हूँ, चलो मैं, आप फिर भी कमेंट करके बताना, वरना अगर लगवाना होगा मैं लगवा दूंगा दोबारा। और इसके ये फ्रंट के जो ये मिरर्स हैं, अगर मैं चाहूँ इनको भी हटवा सकता हूँ, तो पीछे का देखने में वैसे भी गाइस इतने भी वो नहीं लगते, इनको हटवा ही देते हैं ना। बढ़िया, ये हॉर्न भी अच्छा है, हेडलाइट्स, एग्जनोट लाइट्स लगवा दी मैंने इसके, प्लेट प्लेट तो बेसिकली है ही नहीं, लीवर्स। तो इनके पास इनके स्टिकर्स अवेलेबल हैं, एक है ब्लू आता है, तो स्टिकर्स ही होते हैं जो यहाँ पर आप इनको जो है चेंज करवा सकते हो, कोई से भी ये वाले बॉडी स्टिकर्स भाई के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और स्किड्स जो हैं वो इसके बेसिकली ये इंडिकेटर्स वगैरह हैं जो हट सकते हैं आगे से। ओके, दैट्स रियली वेरी कूल। ओके, तो गाड़ी में इंडिकेटर रहेंगे ही नहीं क्या, चलो हटवा ही देता हूँ। और ओ माय गॉड, इसके बाद पीछे की सीट्स का वो भी है काउल, चल भाई लगा दे तू काउल, सिंगल सीटर बनाओ इसको यार। सस्पेंशन भी चलो इसके अच्छे करवा दो, ट्रांसमिशन भी 20,000 वाला, टर्बो भी नहीं, व्हील मैं जो इसके ओरिजिनली रहने दूंगा। तो अगर हम इसके अब लीवर्स की बात करें तो ये ब्लू आता है इसमें, एक ये रेड आता है, ये पूरा रेड आता है, तो ये ग्रीन है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये ब्लैक और ये वाइट वाला करवाना चाहिए, रेड के ऊपर काफ़ी खूबसूरत लगेगा, है ना, तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो गाइज बाइक हो चुकी है फुल टू मॉडिफाइड, एंड मुझे उतनी भी नहीं करवानी थी कि बिल्कुल खतरनाक वाले लेवल की करवानी है, आई डोंट वॉन्ट, बस ये वाला लेवल बहुत है, ठीक है। अभी बस गाड़ी के अंदर एक ही दिक्कत होने वाली है, जब बारिश में अगर हम इस बाइक को चलाएंगे तो मेरे लाइट पूरी भर जाएगी इससे। सॉरी सर, इतनी तेज क्यों चला रहे हो, आराम से चलाओ यार कलवा, तुम भी बिल्कुल ही गाड़ी की ऐसी तैसी कर रहे हो यार, अभी तो गाड़ी ली है। तो गाइज चलो फिक्स कर ली। तो गाइज मैं सोच रहा था इस गाड़ी के अंदर अब हैजर्ड तो चले गए नहीं, क्योंकि चारों इंडिकेटर तो मैंने हटवा ही दिए। तो मेरे पीछे का लुक देखो यार, कितना ज़्यादा भयंकर आता है ये, मेरे को टेल लाइट बड़ी खूबसूरत लगती है इसकी। बर्न आउट कर चल रहा है भाई रोड पे, कोई देखेगा क्या। आ जाओ, चलो। हाँ बस यही है कि एकदम लीन नहीं हो पाता है कलो अभी इसको,
थोड़ी है ना मोटी मोटी सी है भाई, पर कोई बात नहीं, अभी नई बाइक है तो हाथ सेट होने में टाइम लगेगा। चलो भगाकर देखते हैं थोड़ी, थोड़ा हम चलते हैं हाईवे पे, चलते हैं इस गाड़ी को लेके, क्योंकि शहर में तो आपको पता है ट्रैफिक कितना है। ओ माय गॉड, कहीं से भी कोई ना निकल कर आ जाता है और एकदम भाई झकास, एकदम फुलटू रापचिक हो जाएगा हमारे साथ आज ही। तो हमें सबसे पहले इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाना चाहिए। ओ सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। हॉर्न काफ़ी मस्त है यार गाइस, हॉर्न काफ़ी मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी का लुक्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके टायर जो है लॉक नहीं होते हैं, ABS है इसमें। अगर हाँ पिछला आप ABS लॉक भी कर सकते हो, फ्रंट मारोगे तो बैक भी और फ्रंट भी दोनों एक साथ लगे, बैक मारोगे तो सीधा टायर लॉक हो जाता है अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दोगे उसके ऊपर। ABS है गाड़ी के अंदर तो ज़्यादा सिक्योरिटी अच्छी रहती है, समझ रहे हैं। चलो भगा कर देखते हैं इसे, तीसरे गियर में चली गई है, 200 220। विली भी मार सकते हैं आप इसके ऊपर, स्टॉपी भी मार सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। फिलहाल तो मैं भी इसे राइड कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, फन टू राइड है गाइस, फन टू राइड एकदम मस्त। ओ माय गॉड, चलो अब मैं पूरा अग्रेसिव लुक में आ चुका हूँ और अब भगा कर देखता हूँ वेट क्या टॉप स्पीड निकाल रही है। तो गाड़ी 6वें गियर में 250 प्लस जा रही है, अरे आराम से चलाओ, 200 से तो नीचे ही नहीं उतरती इस वाले हाईवे पे गाड़ी। हाईवे बहुत मस्त है यार दोस्तों, एकदम एक्सट्रीमली लव वाली फीलिंग आती है इस वाले हाईवे पे, कसम से बता रहा हूँ। अगर तुम बाइकर्स हो ना और अगर तुम्हें भगाने का शौक है तो तुम्हें अपनी बाइक्स को यहाँ पर लेकर आना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ, यू लव दिस थिंग गाइज, यू लव दिस थिंग। चलो अरे आराम से चलो भगाओ। नाउ गाइज मैं पूरा एक्सीलेटर कर रहा हूँ गाड़ी को 5वें गियर में, ओके तो 250 प्लस जा रही है, 280 ओके तो 300 तो जाएगी, 301 से ऊपर नहीं बढ़ रही भाई स्पीड, 301 से ऊपर नहीं बढ़ रही है गाइस स्पीड, और गड्ढों में तो वैसे भी कमी आ रही है। तो टॉप स्पीड है इसकी 301, तो देखा हमने कितनी जल्दी इसकी टॉप स्पीड भी अचीव कर ली गाइस। अब दोबारा एक बार चेकआउट कर ली जाए, वैसे मैं भगाता तो रहूँगा, देखता हूँ कि 301 से ऊपर गाड़ी जा पाती है या नहीं, कितना हम इसकी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर अच्छे राइडर हैं तभी कीजिए, जब आप इस ऐसी सुपर बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कलवा कर सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स है इसके पास, निंजा है जो 400 प्लस जाती है तो फिर भी 301 जा रही है, इसके लिए क्या है ये बाइक, कुछ भी नहीं है। 282 हो गई, अब भाग रही गाड़ी, तो 303 304 5, आई थिंक 305 इज अ टॉप स्पीड इस बाइक की, आई थिंक 305 इज अ टॉप स्पीड गाइज, उससे ऊपर गाड़ी बाइक जा भी नहीं रही है। अगर हाँ तुम ज़्यादा तो अगर टंकी के ऊपर ज़्यादा झुक जाओगे, लेट जाओगे, तब 1% चांसेस हैं कि तुम इसको भगा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता यार ये इतना भागेगी, कसम से नहीं लग रहा है। आप चाहे तो इस पर स्टॉपी भी मार सकते हैं बाइक के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है स्टॉपी इसकी बाइक की, मुझे मज़ा आता है स्टॉपी मारने में। ओके ओके ओके, ओ 299 301 2 3 4 5, इसी के बीच में रहेगी गाड़ी, इससे ऊपर की तो तुम भगाने की भी नहीं सोच सकते हो। 301 तो रहेगी, अगर ज़्यादा ढलान वाला ना आ गए तब 302 5 तक जा सकती है, अदरवाइज ऐसे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई गाड़ी को अच्छे तरीके चलाओ अपनी, ओए सर जी हट जाओ। तो चलो यार हम अब यहाँ खड़े करते हैं,
तो ओवरऑल गाइज मेरा इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप फिर भी एक बार कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि आपको ये बाइक कैसी लगी, इसकी वीडियो आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना मैं कौन सी बाइक लूँ। फिलहाल तो तीन हो गई है मेरे पास, अभी देखता हूँ एक और चार सुपर बाइक मेरे को, कम से कम पाँच तो रखनी है अपने पास। एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएगा, ठीक है। तो यार गाइस मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।